ज़ाहरी सूरत को बदलने को क्या कहेंगे फॉर्मेटिंग अब फॉर्मेटिंग क्यों की जाती है फॉर्मेटिंग करने से डाटा जो है वो ज़्यादा ब्यूटीफुल ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा पढ़ हम उसमें अट्रैक्शन आ जाती है हम उसको ज़्यादा पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं अब सेलेक्ट अ सेल एंड रेंज ऑफ सेल टू अप्लाई फॉर्मेटिंग अब हमने एक सेल और रेंज ऑफ सेल्स को कैसे सेलेक्ट करना है टू अप्लाई फॉर्मेटिंग Selecting a cell. To select a single cell, click on the cell to select it, or move the cursor over the desired cell by using the navigation key. In Figure 3.27, a single cell C3 is selected. ab aapne agar jo bhi cell click select karna hai अब आपने जो भी cell select करना है, उसमें आपने क्या करना है? या तो उसके ऊपर जाके like C1 में आपने करना है तो click कर दें, C3 में करना है click कर दें, A1 में करना है तो उसको click कर दें। या secondly आप कर्सर जो है अपने जो जिस भी सेल में आपने जो भी सेल आपने सेलेक्ट करा है वहाँ पे अपने कर्सर को मूव करेंगे और नेविगेशन की से आप वो सेलेक्ट कर लेंगे लाइक आपने ए से सी में जाना तो आप यहाँ से इसको नेविगेशन की लेफ्ट की और ले राइट की और राइट की से डाउन की आप जब प्रेस करेंगे तो आपका सेल सेलेक्ट हो जाएगा सिलेक्टिंग अ रेंज ऑफ सेल्स

और जहाँ तक आपने अगर लाइक B1 या B3 से B10 करना है तो यहाँ तक और यहाँ E1 से E10 तक आपने इसको सेलेक्ट किया और बाकी आपने शिफ्ट की के साथ आप जहाँ तक इसको क्लिक करना है एंड सेल तक वहाँ तक ले जा कर इसको क्लिक कर देना या फिर आप कर सकते हैं कि आप अपने माउस का लेफ़्ट बटन जो है उसको होल्ड करें फर्स्ट सेल पे और उसको ड्रैग करके लास्ट सेल तक लेके तो इस तरह आपका वो पूरा एक रेंज ऑफ सेल जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा और इस फिगर में आपको बताया जा रहा है जैसे बी तो थ्री से लेके ई टेन तक हमारे पास डिफरेंट रेंज ऑफ सेल्स जो है वो सिलेक्ट हो गई है टू सिलेक्ट नॉन एडजेसेंट सेल्स हमने अभी पहले एडजेसेंट सेल्स के बारे में पढ़ा अब नॉन एडजस्टेंट को आप कैसे करेंगे कि क्लिक द फर्स्ट सेल होल्ड डाउन द कंट्रोल की एंड क्लिक मल्टीपल सेल्स टू सेलेक्ट इन फिगर 3.29 पॉइंट टू नाइन नॉन एडजेसेंट सेल्स आर सेलेक्टेड आफ्टर सेलेक्टिंग सेल आर रेंज ऑफ सेल्स द यूजर कैन अप्लाई एनी फॉर्मेटिंग कमांड्स क्या आपने ये किया क्लिक किया लाइक ए वन ए टू ए थ्री फिर आपने ए फोर नहीं सिलेक्ट किया इसी तरह ई टेन तक आप या ई फोर्टीन जहाँ तक भी आपने लेके जाना है तो आपने आपने फर्स्ट सेल को क्लिक किया और कंट्रोल की और फिर आपने क्लिक करना है मल्टीपल सेल्स को लाइक like ए के बाद आप सी को कर रहे हैं सी के बाद आप ई e को करें तो आपने कंट्रोल की के साथ मल्टीपल सेल्स को सेलेक्ट करना है और जब ये सिलेक्ट हो जाए सेल uh, या रेंज ऑफ सेल तो फिर यूज़र अपने मर्जी के मुताबिक उसमें फॉर्मेटिंग कमांड्स अप्लाई कर सकता है डू यू नो क्लिप बोर्ड इज़ अ टेम्पररी स्टोरेज प्लेस इन कंप्यूटर मेमरी इट इज़ यूज टेम्परली फॉर डाटा डैट इज बिंग कॉपीड और मूवड क्लिप बोर्ड क्या है क्लिप बोर्ड आपकी टेम्पररी स्टोरेज प्लेस है कंप्यूटर मेमरी में और आप इसमें इसको कब यूज़ कर सकते हो इट इज़ यूज टेम्परली फॉर डाटा डैट इज इज बिंग कॉपीड और मूव क्या आपने कोई डाटा कॉपी किया या मूव किया तो ये उस वक्त आपके लिए टेम्पर्ररी यूज होता है क्लिप बोर्ड कॉपी पेस्ट एंड कट पेस्ट द कॉपी पेस्ट ऑप्शन इज यूज टू टेक द डुप्लीकेट ऑफ द सेलेक्टेड सेल कॉन्टेंट्स बाई कॉपिंग दम एंड पेस्टिंग दम वेयर रिक्वायर्ड अब द कॉपी पेस्ट ऑप्शन कहाँ पर आती है कि जब आपने एक सेल सेलेक्टेड सेल जो है उसके कॉन्टेंट्स को आपने डुप्लीकेट करना है उनको कॉपी करके और उनको पेस्ट करना है किसी और सेल में जाके तो आप कॉपी पेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे चूज करेंगे दिस ऑप्शन डज नॉट रिमूव द टेक्स्ट फ्रॉम द सोर्स लोकेशन द कट पेस्ट और मूव ऑप्शन इज यूज टू मूव टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस सोर्स टू एन अदर प्लेस डेस्टिनेशन वेन यूज कट और कॉपी टेक्स्ट इट गेट्स प्लेस ऑन द क्लिप बोर्ड क्या आप द कट पेस्ट जो है आपने कॉपी पेस्ट किया डुप्लीकेट करने के लिए आप कट पेस्ट क्या करेंगे कट पेस्ट या मूव ऑप्शन से आप क्या करेंगे क्या आप टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं वेन यूज कट आर कॉपी टेक्सट इट गेट्स प्लेसड ऑन द क्लिप बोर्ड के जब आप कट करते हैं या कॉपी करते हैं किसी टेक्स्ट को तो वो आपके क्लिप बोर्ड पर नज़र आता है Do यू नो द copied cell विल स्टे सेलेक्टेड until यू परफॉर्म यूर नेक्स्ट टास्क आर यू कैन डबल क्लिक द सेल टू डी सेलेक्टेड अब आपको पता क्या कि आप क्या कि आप जानते हैं कि कॉपीड सेल जो है वो सिलेक्ट रहते हैं जब तक आप कोई नया टास्क नहीं परफॉर्म करते या आप उस सेल को डबल क्लिक करके डी सेलेक्ट नहीं करते तब तक ये कॉपीड सेल जो है वो सिलेक्ट रहते हैं टू कॉपी एंड पेस्ट सेलेक्ट द सेल आर सेल्स टू कॉपी क्लिक द कॉपी कमांड इन द क्लिप बोर्ड प्रूफ ऑन द होम टैब द बॉर्डर ऑफ द सेलेक्टेड सेल्स विल चेंज अपी फिगर थ्री पॉइंट थ्री जीरो सेलेक्ट द सेल आर सेल्स वेयर टू पेस्ट द कॉन्टेंट्स क्लिक द पेस्ट

अब यहाँ पे आप ए बी सी डी में और यहाँ से आप ए बी सी डी ई e, आपने एक जगह से उठाया और दूसरी जगह पे कॉपी करके दूसरी जगह पे पेस्ट कर दिया डू यू नो यू कैन यूज़ द फॉलोइंग शॉर्टकट कट फॉर कॉपी कट एंड पेस्ट कंट्रोल प्लस सी फॉर कॉपी कंट्रोल प्लस एक्स फॉर कट कंट्रोल प्लस वी पेस्ट अब कंट्रोल और सी को जब आप इकट्ठा प्रेस करोगे तो ये आपका किस क्या ऑप्शन आएगा कॉपी का कंट्रोलर एक्स कट कंट्रोलर वी को अगर प्रेस करते हैं तो पेस्ट की ऑप्शन आती है टू कट एंड पेस्ट सेलेक्ट द सेल आर सेल्स टू मूव क्लिक द कट कमांड इन द क्लिप बोर्ड ग्रुप ऑन द होम टैब द बॉर्डर ऑफ द सेक्टेड सेलेक्ट द सेल्स टू पेन्टेंट्स क्लिक देश बोर्ड इन द क्लिप बोर्ड ग्रुप ऑन द होम टैब द कट कॉन्टेंट्स विल भी रिमूव फ्रॉम द रिजनल सेल एंड नाउ अपियर इन द न्यू सेल एसन एंड फिगर थ्री पॉइंट थ्री थ्री अब आपने क्या करना है कि आपने सेलेक्ट करना है सेल्स को और उनको कट करना है होम टैब से उनको जाके जिस सेल में आपने उसको पेस्ट करना है ना आपने उनको सेलेक्ट करना है और वहाँ जाके उसको पेस्ट कर देंगे फॉर्मेटिंग टेक्स्ट टेक्सट फॉर्मेटिंग इनक्लूड्स फॉर्मेटिंग द फोन साइज स्टाइल एंड कलर एंड यूजिंग द बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन एंड अलाइनिंग द टेक्स्ट यूजर कैन फॉर्मेट अ सिंगल सेल और रेंज ऑफ सेल्स फिगर थ्री पॉइंट थ्री फोर शोज फॉर्मेटिंग टूल्स अब आप फॉर्मेटिंग में आप क्या कर सकते हो आप उसका फोन साइज कैलबरी या तो उसको आप न्यू रोमन फोन साइज आपका एक इलेवन है तो आप इसको ट्वेल्व थर्टीन आपका टेक्स्ट कलर जो है वो ब्लैक है या ब्लू है या रेड है तो उनका कलर भी चेंज कर सकते हैं आप उनकी स्टाइल चेंज कर सकते हैं और आप उनको बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन और अलाइन द टेक्स्ट कर सकते हैं अलाइन द टेक्स्ट आपने फॉर एग्जांपल लेफ्ट पे किया तो लेफ्ट पे चला जाएगा राइट right पे राइट पर सेंटर में सेंटर में या जस्टिफाई करेंगे तो आपकी सारी ज... आपने अगर सेंटर में किया तो सारे आपके जो भी नंबर या जो भी डाटा आपने इंटर किया वो सब कुछ सेंटर में आ जाएगा और अगर आपने लेफ्ट या राइट right की ऑप्शन की तो वो लेफ्ट या राइट right में ही डाटा आपका डिस्प्ले होगा अब यूजर फॉर्मेट कर सकते हैं एक सिंगल सेल को भी और ज़्यादा एक रेंज ऑफ सेल्स को भी फोन फोन इज द टाइप फेस ऑफ टेक्स्ट एंड इट इज अ सेट ऑफ करैक्टर्स यूज इन टाइपिंग ऑफ टेक्स्ट इन अ पर्टिकुलर स्टाइल एक्सेल प्रोवाइड्स मैनी डिफरेंट फोन फ्रॉम विच यूजर कैन चूज फोन के फोन आपका टेक्स्ट का टाइप फेस है और इट इज़ अ सेट ऑफ करैक्टर्स यूज इन टाइपिंग ऑफ टेक्सट इन अ पर्टिकुलर स्टाइल कि ये आपके जो टाइपिंग ऑफ टेक्स्ट इन अ पर्टिकुलर स्टाइल में आ, वो जितने भी करेक्टर्स हैं उनको चेंज कर सकता है उनका फोन स्टाइल उनका टाइपिंग जो आपने की है उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं एक्सेल प्रोवाइड्स डिफरेंट फोन फ्रॉम विच यूजर कैन चूज कि एक्सेल आपको मुख्तलि फोन बताते हैं आप यूजर उसमें से कोई भी एक फोन चेंज सेलेक्ट कर सकते हैं टू चेंज फोन सेलेक्ट सेल्स टू चेंज द फोन फॉर एग्जाम्पल जी थ्री टू जी थ्री एज इन फिगर थ्री पॉइंट थ्री फोर चूज द होम टैप एज इन फिगर थ्री पॉइंट थ्री फोर क्लिक द डाउन एरो नेक्स्ट टू द फोन बॉक्स अल्ला लिस्ट ऑफ़ फोन अपिया फाइंड एंड क्लिक द रिक्वायड फोन फ्रॉम द लिस्ट फॉर एग्जाम्पल एरियल ब्लैक एस्टोरेंट फिगर थ्री पॉइंट थ्री फोर अब आपने अगर फोन चेंज करना है तो आपने सबसे पहले क्या करना है आपने जिस भी सेल का फोन चेंज करना है उसको सेलेक्ट करना है फिर आपने होम टैब को चूज किया फिर आपने डाउन एरो से आप फोन बॉक्स में गए और फिर वहाँ पर आपको फोनस की एक लिस्ट अपियर हो जाएगी फिर फाइंड एंड क्लिक द रिक्वायर्ड फोन फ्रॉम द लिस्ट अब आप वहाँ से अपना जब फोन की लिस्ट अपीर होगी तो उसमें से आपने अपनी मर्जी के जो भी आपको रिक्वायर्ड फोन टाइम्स न्यू रोमन है या जो कुछ भी है आप उसमें फाइंड करेंगे उस लिस्ट में और उसको क्लिक करेंगे फॉर एग्जाम्पल एरियल ब्लैक एस्टोरेंट फिगर थ्री पॉइंट थ्री फोर ये देखें आपने सेलेक्ट करना है किसी भी सेल को फिर आपने होम टैब होम टैब से आपने लाइक एरियल ब्लैक को सेलेक्ट किया फिर यहाँ से आपने अपना साइज चेंज कर दिया इस तरीके से आप अपना टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं डू यू नो एज यू सक्रॉल डाउन द लिस्ट ऑफ़ फोन एक्सिट प्रोवाइड अपन इन द सेल यू सेलेक्टेड क्या आपने इनमें से जो सेल सेलेक्ट किया हुआ है तो जब आप फोन स्टाइल्स में जाएंगे तो आप जिस भी फोन के ऊपर आप, आप क्लिक करते जाएंगे या उस पर मूव करते जाएंगे तो विद द हेल्प ऑफ माउस तो आपका वो जो भी टेक्स्ट आपने जो भी सिलेक्ट किया हुआ सेल उसका टेक्स्ट चेंज होता जाएगा फिर आपको जो भी रिक्वायर्ड हो आपने जस्ट उसको क्लिक करना है और वो उसको उस सेल पे अप्लाई हो जाएगा थैंक यू